बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी पर पिछले काफी समय से बवाल मचा हुआ है। फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से हरी झंडी नहीं मिली है, जिसका नतीजा ये हुआ कि फिल्म की रिलीज डेट को टाल दिया गया। कंगना की फिल्म पहले 6 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन बीते दिन खबर आई कि फिल्म की रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है। आपको बता दें कि इमरजेंसी के टलने से कंगना भले ही दुखी हों, लेकिन साउथ की दो फिल्मों की तो लॉटरी लग गई है। जाहिर है साउथ के दो बड़े स्टार्स थलापति विजय और चियान विक्रम की फिल्म रिलीज होनी है, ऐसे में दोनों ही फिल्मों को बड़ा फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि थलापति विजय की एक्शन फिल्म गॉट यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इस वक्त काफी सुर्खियों में बनी हुई है। इस फिल्म में विजय डबल किरदार में है। पिछली 17 अगस्त को फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया था, जिसे लोगों ने काफी पसंद भी किया था। वहीं गॉट 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। वेंकट प्रभु की डायरेक्टेड इस फिल्म को तेलुगु और तमिल के साथ ही हिंदी में भी रिलीज किया जा रहा है। जाहिर है कि जब 5 सितंबर को गॉट रिलीज हो रही है, तो वहीं कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी 6 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होनी थी। अब जब कंगना की फिल्म की रिलीज डेट टल गई है, तो थलापति विजय की फिल्म को इसका बड़ा फायदा होगा। माना ये भी जा रहा है कि फिल्म की कमाई को भी बड़ा फायदा होगा, यानी कि थलापति विजय की फिल्म का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि गॉट में थलापति के अलावा इसमें मीनाक्षी चौधरी और मालविका शर्मा भी अहम भूमिका में नजर आएंगी। वहीं फिल्म की एडवांस बुकिंग आज से खुल चुकी है। इस बात की जानकारी फिल्म की क्रिएटिव प्रोड्यूसर अर्चना कलापति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर दी है। इस जानकारी से विजय के फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। अर्चना ने लिखा, बुकिंग आज से शुरू, बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स की गॉट के लिए रास्ता बनाएं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम करीब 300 करोड़ रुपए के बजट में बनाई गई है। इस फिल्म का वेंकट प्रभु ने निर्देशन और सह लेखन भी किया है। AGS एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी इस फिल्म की रिलीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा नाम चियान विक्रम का है, जिनकी फिल्म तंगलान 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होनी है। इस फिल्म में विक्रम आदिवासी समुदाय के नेता के किरदार में है। फिल्म की कहानी 19वीं सदी पर बनी हुई है। आपको बता दें कि फिल्म की कहानी कोलार गोल्ड फील्ड में काम करने वाले मजदूरों पर बनी है। इसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज किया जाएगा। कंगना रनौत की इमरजेंसी टलने से थलापति विजय के साथ ही चियान विक्रम की फिल्म तंगलान को भी बॉक्स ऑफिस पर बड़ा फायदा मिलने वाला है। आपको बता दें कि कंगना की फिल्म इमरजेंसी 1975 से लेकर 1977 के दौरान देश में लगाए गए आपातकाल पर बेस्ड है, जिसमें एक्ट्रेस पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के किरदार में है। उनकी ये फिल्म विवादों में घिर कर भले ही टल गई हो, लेकिन फैंस इसकी रिलीज का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर इमरजेंसी रिलीज हुई तो नॉर्थ में से बड़ा फायदा होगा। सिनेमाघरों में भी इसकी अच्छी खासी कमाई होने की उम्मीद है, लेकिन अभी कंगना की इमरजेंसी टलने का फायदा तो साउथ के दो बड़े सुपरस्टार की फिल्मों को होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए आज तक भारत के साथ।